जी, तो समर गौतम के जीजा जी, सूर्या के जीजा जी, शुभम के जीजा जी, चार आदमी के एकलौता जीजा जी खेसारी लाल यादव। तो जो बारन जरा भैया 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 वो रोले बारन फोन करके, रिकॉर्डिंग वायरल हो जाए, हो या वायरल, माथा मत खोलना था, पूछ लीजिए प्रियंशुआ से। इस सब चीज़ ना समझे, वी आई पी विजेंदर गलत बोल दे लग रे, रे विशालवा बहन तोहर कैसा हो रे कि भाई लोग हमारा ना रहेला, का हमारे भाई खाला पिएला, ऐसे खाला पीले पिएला आ पिटबो करेला, यही से नू साफ तो इनके बुद्धि ने देख सुबह मुआ एक बात कह देनी नू मतारी के लिए कहतनी, एक बात तोरा दादी के ऐसा ऐसा गाड़ी सुनबे नू कि भीटो के जरूरी मतारी के ना पड़ता, याद रखिए समझ। तो इनके तो एकदम नज़र पे मुँह पे बंद रखिए, जानते रे अपना तोरा खानदानवा में सूर्यावा शुभ मुआ सुन, आ तू गौतम हुआ तोरा घरवा में जितना छेद होता हूँ सारा छेद के दाम बता दिए, एक रात में फेंक के सबके साथ हमारे भाई सूत के चल आई, देख लिए का रे शिवम हुआ, तू अपना माई के सिक्स पैक देखे, कै गो पैक हो, दू गो तो पैक होता हूँ आ दू गो पैक केने हो, आ का रे सूर्यावा कौन ची कहत रही है बहन, तू अपना बहन के साथ सब कुछ कर लीस तना, बगल में बहन के ले लेके ब्लॉग बनावलीस। चलिए सब भाई को मेरा नमस्कार है, और आप लोग से आप लोग को एक बात बता दें कि कुछ भैया के जो प्यार करने वाले लोग हैं वो हमको फ़ोन करते रहते हैं कि आपका वीडियो नहीं आता है, वीडियो नहीं आते हैं। तो देखिए ये आपका भाई है मगैया जवान, पवन सिंह का साला मगैया जवान नहीं है, विशाल सिंह नहीं है, सूर्या नहीं है कि इसको खर्ची चलाना है, रोज़ वीडियो बनाएगा, TRP बनाना है। हमको अपने भाई के दिल में रहना है, हमको TRP बनाने नहीं है भाई, हम अच्छा बोलते हैं, सच बोलते हैं, तनिक कड़वा बोलते हैं, और कड़वा बोलने वाला हमेशा सही बोलता है। आप लोग को एक बात बता दें कि देखिए हम गाली देना नहीं चाहते हैं, और सबसे पहले तो कह दे रहे हैं कि कुछ लोग जो लगता है जो पवन जी का टाइप, पवन जी कौन सी पवनवा उसका जो टाइप, जब ये सब बोलता है खुलियाम खेसड़िया तो हम पवनवा का ही नहीं बोलेंगे, तुम मेरे भाई का सम्मान नहीं करेगा तो तेरा भाई के 1% सम्मान नहीं है जो, का करबे रे, एगो हयो ना उखुड़ी, यह विवेक सिंह ना हाँ 50 बार कहनी कि विवेक सिंह अखिलेश कश्यप ना हाँ कि तू अकरा कोठा पुत्र बोलबे तो सुन लेबे, हम तो साफ जाना नहीं सुनू, वो लोग इज्जत करेला हम इज्जत पिज्जत ना देखनी, हम सीधे घुसनी छिलल बांस ले ले, जमैले रे समरवा गौतम हुआ आओ ना, तुनिए के टारगेट करते तू कहीं और टारगेट करवाओ तरी, अब देख तुनके हम खेलाओ तन खेला, सब भाई सब के मन बाकी रोज वीडियो आओ तो रोज, अब एकनिए पे वीडियो आई ये 3 गोरा के हम बोलने का नहीं चाहते। और हाँ सबसे पहले कुछ जो लगा उनके टाइटल बुझल कि उनका पप्पे बारन तो तुनके मतारी के साथ हम नहीं सुतल कि हमारा पोस्टवा पर आके अपना बाबू जी ला आके कमेंट कर ल फालतू फालतू तो मत करिए, आ करे वाला ये समझूँ कि ओकरा मतारी के साथ हम सूत गए बनी यही से मिर्चाई लागल बा तो कमेंट करता खुलियाम बोलनी, हम जेकरा गड़ी आवत नहीं ओकरा औकात होई हमरा गड़ी आई, हम 4 गोरा के नाम धके गड़ी आवत नहीं, ओकनी के बाप के बाप के औकात नहीं के समझ ले भाई, तुनिके बाप के बाप के की ई करे के का हमर वीडियो हुआ ना देखत हुई औकात बा, हम नहीं चाहते हैं वीडियो बनाना, हम नहीं चाहते हैं किसी चीज़ को बोलने, लेकिन कोई हमारे भाई को छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। आइए आप लोगों को क्लिप दिखाते हैं, देखिए दोनों बार अपना बहन के बारे में क्या बोल रहा है, सुनिए देखिए आप लोग वीडियो। रक्षा गुप्ता को बहन मान रहे थे, चुमा ले रहे थे, को स्टेज पे बहन मानते हैं, उसी को चुमा ले रहे हैं, पवन सिंह के साथ जो जो लोग रहते हैं वो उनको जोकर बना दिए हैं, लबाड़ बना दिए। बॉडी किसकी अच्छी है भोजपुरी इंडस्ट्री? पैक है सिर्फ, कहाँ ऐप से एक फोटो खींच के भेजिए ना हमको थोड़ा, जिसमें टोटल आपका 6 पैक दिखे। पवन सिंह के दुश्मन भी उनके गायकी के फैन है महाराज। जोकर पवन सिंह नहीं लगते हैं, जोकड़ वो लगते हैं। जोहरी लाल में कोई टैलेंट है कि नहीं ये बताइए। आप खुद बोलते हैं कि किसी के परिवार पर नहीं जाना चाहिए, आप खुद परिवार में कूद जाते हैं, तो आप तो जोकड़ नहीं मां चूतिया हैं। कल एगो फोटो देखे कुमार अभिनव एगो है पत्रकार उनके साथ बैठे हुए थे, लागत है कंगारू बैठल बा। पवन सिंह जोकर बना दिया है, आपसे बड़ा जोकर कौन है? वो तो कहते हैं कि मैं कॉमेडी अच्छी करता हूँ, कॉमेडी वो तो ये भी कहते हैं कि हम हिट होने के लिए पैंटो खोल देंगे। अगर जोकर होते तो उलझुल हरकत करते, आज तक देखे हैं कि पवन सिंह सोशल मीडिया पे तुरंत लाइव आ जाते हैं, चाहे पवन भैया रिएक्शन दे एल्बम कर दे सुनो तो कहाँ चल जाए उनको ठीक नहीं। बिना पवन सिंह के नाम लिए बच के दिखा दे, चैलेंज दे रहे हो, कल ना बोले 4-4 गो मैं हरू भैया, 4 गो गलत थोड़ी हो सकती है, उनका उन्हीं का न्यूज रिपोर्टर को बोल रहा था। हम तो 2 गो ऑफिशियली शादी देखे हैं भैया का, 2 गो उनका बहने से बोल रहे का लगा तो उनका मेरा से पहले पवन सिंह के भाई रहेगा। छोटे पवन सिंह तो आपके सामने बैठेंगे भी नहीं, आपका लेवल भी नहीं है पवन सिंह के साथ। देख लिए का रे शिवम हुआ, तू अपना माई के 6 पैक देखे, कै गो पैक हो, 2 गो तो पैक होता हूँ आ 2 गो पैक केने हो, आ का रे
सूर्या बा कौन ची कहत रहल है बहिन, तू अपना बहिन के साथ सब कुछ करलिस ना, बगल में बहिन के ले लेके ब्लॉक बनावलिस, वो तोर बहिन ना हो। अनुपमा यादव कौन ची लागल काका कहत रह स्टेज हुआ पर, वो समय संस्कार कहते हैं बात जान ले कि भोजपुरी में सबसे ज़्यादा छौड़ी का शौकीन पवन सिंह है। नहीं पता है तुमको, अपना कमाते हो ना जिसे सरस्वती को समखा के बोलना रे सूर्यावा, तू तो रगरग से जानत हो, शुरू से जानता रे कितना बड़का छौड़ी बाज बा रहन हैं। और दूसरा के कहलिस कि बहन बोलते हैं चुम्मा लेते हैं सुबह मुँह, सुन ले साफ माई के नू छिलल बाँस लेके घुसा दे। कौन ची तू बोला तरह तुरंत के बुझा, तोरा समझ में नहीं क्या बात, अगर ओरिजिनल बाप के पैदाइश बारे नू ओरिजिनल बाप के, तो हमरा से लागना तो नहीं रे, तोर कितना औकात बरे, तोर बाप के बाप ना लगी हूँ। और आइए भाई लोग, आपको एक और बहुत अच्छा बात बताते हैं, लाइव में तो बता ही दिए हैं। देखिए भाई के सार हो, दुश्मन के सार हो, या केकरो सार हो, सार सारे हो खिला। तो घर में अगर दूगो बेटा बा, लड़ाई होता आपस में, तो ऐसा थोड़े बा कि इनकर सार सार ना, इनकर सार सार ना। अब पवन भैया के सार भैया कहते हैं, ये सब लेखा ये थोड़े हैं, जब गलती करेंगे तो पवन में सुनेंगे। अब इसके बाद ये सब के मुँह से एक बार सुनेंगे तो हमारे मुँह से उम्मीद भी मत रखिएगा कि हम पवन सिंह कहें, पवन में कहें। तो रहो सिक्स पैक आए हाउ मिलवा लिए तो निक बढ़िया, आके तो उनके गूगल पे चेक कर लिसनू है, तो बाबूजी गूगल वा पर देखा रहन। देखिए भाई लोग, आप लोग देखिए था कि भोजपुरी में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में कौन कौन सिंगर के गाना रहेला, देख ले आनर मत बन, देख गूगल बोले था शायद भोजपुरी में ट्रेंडिंग नंबर वन पर कौन है। एबीपी न्यूज के मुताबिक हम बात कर रहे हैं भोजपुरी सिनेमा के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, खेसरी लाल यादव की। ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा के वो नामी चेहरे हैं जिनके गाने हमेशा से ही सोशल मीडिया की लाइमलाइट में छाए रहे हैं। देख ले ले, एमे तोर बाप के नाम बोला था ना, बाप थोरे जीजा जी, जिनके आगे जी उनके पीछे जी। तो समर गौतम के जीजा जी, सूर्या के जीजा जी, शुभम के जीजा जी, चार आदमी की एकलौता जीजा जी खेसारी लाल यादव, चारों के जीजा खेसारी लाल यादव। अब पूछिए कैसे ट्रांसलेट करके बताते हैं, ये लोग भैया 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 कहते हैं। तो आप लोग कुछ ऐसा वीडियो में देखे होइएगा जिसमें विशालों को भैये कह रहे हैं, तो विशाल साला लगता है, विक्की जी सार हैं तो जी ने बोलेंगे, खूब होइए तो छः सात महीना बड़ हुई एक साल बड़ हुई, तो विक्की जी सार वरन भैया के। तो ये लोग का आप इंटरव्यू देखिएगा, विक्की भैया रे तो सार के भैया कहते रहे, कौना रिश्ता से साहब धर्मों के खाए वाला बारे का रहे तुम के। एगो तो भाई विशालवा, अगर तुम ओरिजिनल मरद होगा ना, सीना ठोकता है नागालैंड चल जा तू, इसका एगो वीडियो देखिए। इस कौन भैया आखिरी बयान, मैं आखिरी बयान पहले ये कहना चाहूंगा, वो जो छोटा वाला कॉमेडियन है वो जो लोगों के बारे में बोल रहा है, अब देखिए वो इसलिए बोल रहा है कि बाकी लोग हम लोग जिसके ऊपर वीडियो बनाते हैं ना वो एक महीना टीआरपी में रहता है, वो टीआरपी में आना चाह रहा है, वो इतने ऐसे ऐसे लोगों के बारे में बोल रहा है जिनका करोड़ों का टर्नओवर है। अभी बताया विक्की भैया ने जो इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है, इवेंट कंपनी, उसके बारे में वो ये बोल रहा है कि वो उनसे खर्चा चला रहा है अपना, है उसके जैसे नहीं, उससे अच्छे स्तर पे काम करने वाले लोग उनके स्टाफ है, 200 से ऊपर, 200 एक वो दिया गया है कि एक नंबर कि इतने लोग हैं, उसकी बात थोड़ी आज नहीं, उसके ऊपर वीडियो बनाना ही नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है, उसको फालतू में टीआरपी क्यों दे। आपने जो पूछा है अभी ये है कि हमारे साइड सब खत्म है, वो मैं मेरे लिए भोजपुरी में सिर्फ एक ही इंसान है, वो है पवन भैया, सुपर स्टार, पावर स्टार, शाहरुख खान, सलमान खान। अभी उन्होंने कुछ दिन थोड़े दिन पहले बोला कि कुमार सानू वो है और मैं हूँ सलमान खान, तो मैं वो वीडियो देख करके हंस दिया पहले, और वो जो देखा वो हंसा है। अभी पहले शुभमुआ का चैनल दीजिए, तब विशाल हुआ के आज तो पूरा लंबा वीडियो जाएगा, आप लोग श्योर जरूर इस वीडियो को देख के कीजिएगा कि चार को सार देखिए, और जितना भैया के फैन है देखिए सार सब होता है कि तनी, आप जानते हैं सार सब तनी मजाक करता है, तो वह करता है मजाक। अनुपमा यादव बहन नहीं लगती थी, कौन ची सार ए देसीला, ई बारे देसीला, उस समय बहन के संस्कार घुस गए रहे ना रे शुभमुआ, कौन ची लागल गर्लफ्रेंड, तो बिक्कू के का लगी का है खोलल इस माथा सन सब की पर, तोहर जे बारन हूँ, तोहर जे बारन जरा भैया 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 वो रोले बारन फोन करके, रिकॉर्डिंग वायरल हो जाए, हो या वायरल माथा मत खोलना था, पूछ लीजिए प्रियंशुआ से, पूछ लीजिए रोले बारन अब डास्ट निकोट, कहला वायरल करावे पे लागल बड़े।
ना समझ में आता, तो नहीं कि हम निकी बोला तो निकी बोला, आ बेटा आप तू आओ शुभम हुआ साफ तरह माई के बहन के साफ छिले ले एगो आगे एगो पीछे साफ दोनों में लगा दे हम शुभम हुआ कम बोलल करिए सिक्स पैक देखे के मन हो उसे बड़का पैक माई से जाके पूछिए उसे बड़का पैक दिखा दिए भेज दिए आ सारसों के बहन के साथ कौन सुतेला हो कौन सुतेला सुन तो नहीं के सूर्या सार ये अपनी बहन के साथ दिन भर रहता है वो तुम्हारी बहन नहीं है क्या लगती है तुम्हारी पब्लिकली करो ना बहन है तुम्हारी तनिक समझाओ तनि ज्यादा भैया भक्त बना तरीका आओ अभी तुनि तो बड़का भैया भक्त हई हम तनि हमार हम तनि लंगा भक्त हई आ तुनि के चापलूसी करे वाला बारे कि यो बहने दस गो लोग चिन्ह जाए कि हाँ हम पवन के पीछे आगे पीछे करनी आगे पीछे घूमनी आगे पीछे हई करनी आँ छोड़ दिया रे तोरा छोड़ दिया कारे समरवा गौतम हुआ विशाल भाई सार लागल तो तू कौन चीज लगे तोरो बहन वहीन हो का बताओ ना देख रहे स्मार्ट बोर्ड वहीं बनी तोरी सब गोरा से सुंदर जरूर हो लेकिन हमरा से सुंदर शुभम हुआ के बहन हो बाप रे देखो ला बुझाला कि एकदम बहन के ब्याह करा दिले बात करे बताओ ना विशाल भैया को होता विशाल सार बा सौरभ ऐश्वर्या के सार खेसारी लाल यादव के सार विशाल सिंह हम नाम रख के बोलेंगे पवन सिंह का साला भाई देखिए दो भाई का लड़ाई है घर में दो बेटा दो आदमी का लड़ाई है वो लोग मजा लेगा रिश्ता तो दोनों से है भाई है वाला तो उनका साला साला नहीं लगेगा हाँ उनकी बीवी को हम बीवी नहीं ना बोलेंगे भाभी बोलेंगे अब इस टॉपिक पे ही बात होगा कॉल इस परिवार पे जाते हैं आओ नहीं अगर इतना तोर भैया भक्त बरन तो कह ना कह कह कि चाची के शौक हुआ पूरा कह देवस का ये बताओ बोला भैया तोर ना ई करियन तोर भैया पूरा ना करिहन का जाके भैया के समझाओ ना इस चीज ना समझेब वी आई पी विजेंदर गलत बोल दिलक रे रे विशालवा बहन तोहर कैसन हो रे कि भाई लोग हमरा ना रहेला का हमारे भाई खाला पियेला ऐसे खाला पीले पियेला आ पिटबो करेला यही से नू ना टिकेला आ भाभी के भाई लोग आगे पीछे भैया यहाँ निकल गए भैया गुंजन भैया गुंजन जीजा जी बोलो भैया कैसे हुआ तुम्हारे जीजा जी को कोई भाई बोलता है भाई लोग आप ही बताइए एक एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो देख लेवे सार लोग आ गए बरन प्रकोप चल तो नहीं हम दिखाइए दी सिखाइए दी के लेखा वीडियो बनेला के लेखा ई करेला साफ तो नहीं बुद्धि नहीं देख सुबह मुआ एक बात कह देनी नू मतारी के लिए कह देनी एक बात तोरा दादी के ऐसा ऐसा गाड़ी सुनबे नू कि भीटो के जरूरी मतारी के ना पड़ता याद रखिए समझ ले हम कहाँ ले बोल तनि इज्जतदार लेकर रह अपन काम कर विवाद खत्म बा उंगली मत कर अनुपम यादव के बहिनी मानलन कहाँ वो दिन अपना कोखुआ में दोनों में कोना में घुसल रहस रे सूर्यावा शुभम हुआ एगो तो रख ले कहीं ओकरे में घुस जात हो तू कहाँ घुसल रहस साफ देख ले एकदम तार के मुँह आ दे मगर हमारा भाई के बारे में कोई कुछ बोल दिलक तो हमारा उनका से लालच नहीं है तोरा पहले तोरा लालच बा पीछे पीछे घूम के ब्लॉग बनावल पीछे पीछे घूम के वीडियो बनावल हमारा देख लीस कई बेर ऑफर आ गए जाए के नाइयो जानी भेटो ना करे जानी अरे भेंट करें तो भाईचारा में फर्क पड़ जाए मोहब्बत किसी से दिल से करो जैसे तोरा के भाई मानत नहीं नू टेलर देख ले रहस अब तू टेलर देख तोनी के तो एकदम नज़र पे मुँह पे बंद रखिए जानते रे अपना तोरा खानदानवा में सूर्यावा शुभमुआ सुन आ तू गौतमुआ तोरा घरवा में जितना छेद होता हूँ सारा छेद के दाम बता दिए एक रात में फेंक के सबके साथ हमारे भाई सूत के चल आई कॉलिश कौन सी कहलिस रे तुनके अब बोल ना तुनके अरे तुनके तो तू का बुझलिस की उनका टीमों में कोनो बोले वाला नहीं के तो कुछ बोल के निकल जेबे तोहर बाप के औकात खेसारी लाल यादव के सामने नहीं के कितना बार रे तोरा लौ कितना बा कोनो तोहर भैया नहीं बचावे बचा लियन का जाके कौन था अपना भैया के हमारे मतारी के डेली छिलल बांस घुसा हुआ था जो सूर्यावा बोल दिए इतना दिन से चमचई करा था रे जो ना ऐसे देख लड़ाई वो दो आदमी के बाद वे दो आदमी के रहेंगे चाहिए तू उंगली करबे तो तू तनि कम करबे हम तनि ज्यादा करबे हम सीधे तोरा मतारी बहन पे पहुँचे मैं सुन ले बहुत जल्द एक बहन के नाम तो साक्षी बोल रही बा अब तोरो बहन के नाम पता चल गया बगल में जो रिलेशन हो वो गाड़ी सुनता हो तैयारे रहिए तू आप मेरा इस बात को शेयर कर दीजिए आ भी सलवा सुन देखिए विवाद खत्म हो गया था ना विवाद खत्म हो गया था फिर ही लाइव आके बकचोदी नागालैंड चल जाओ रे साला तोरा भोजपुरी के बहुत पता हो रे कह तो कहनी तो तू वीडियो हुआ तो देखल लागल ना जानल कि एक हमारे बाप है आ विवेक जी पढ़ल लिखल अखिलेश कश्यप
बोले भर बार हम तो एकदम मतारिये से बिया कॉले बनी तो बस यही से हमरा से तू लागल इस ना अभी विवाद खत्म हो गया था भाई देखे हैं इसका दो दिन पहले क्या वीआईपी विजेंदर बोल दिया गलत बोल दिया कह दिला घर बसाइए तो गलत बोल दिया कौन नहीं बोलेगा कोई जो उसी को ना बोलता है जो किसी को मानता है अपना ना तो उसको क्या मतलब है उसका घर बसे जी हो रहा है कुछ हो आ गई लोग बक बक करे विक्की जी बहन को तनि भैया के पास भेज दीजिए ताकि भैया को तो रोज़ आपकी आपकी जैसी कई कई को बहन आपकी बहन जैसी कई कई को रोज़ मिलती है पता है हमको अच्छे से एक बार अपने बहन को विशाल जी या विक्की जी भेज दीजिए आई हाई दू गो आपके और जो भाई हैं तीन गो समर गौतम सूर्या शुभम समझा दीजिए लोग को ना तो जीजा जी के जो आपके छोटका भाई है ना सौरभ सौर्या बहुत खराब आदमी है सारा बहन के छिलल बांस लेके घुसाएंगे तो इसलिए आप लोग तो सदर इसके बाद अगर हम किसी का वीडियो देख लिए तो अपना मतारी दादी फुआ करवावेला तैयार रही वह वीडियो बनाई चल तनी बाय।